नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। यूपी के अलीगढ़ में जब एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। बच्चा बिल्कुल फिल्मों में दिखाए गए एलियन जैसा था, जिसको लेकर लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। हालांकि दुनिया में एलियन के वजूद को लेकर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं, लेकिन एलियन जैसे इस बच्चे के जन्म ने अलीगढ़ में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि डॉक्टरों ने एलियन जैसी किसी भी बात से इनकार किया है और बताया है कि यह एक जेनेटिक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को होती है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के एक निजी नर्सिंग होम में महिला ने जब एक रहस्यमय बच्चे को जन्म दिया तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। बच्चा बिल्कुल फिल्मों में दिखाए गए एलियन जैसा था। बच्चे का चेहरा काफी बड़ा था और उसकी पूरी स्किन किसी मछली की भांति सिकुड़ी हुई थी। देखते ही देखते पूरे अलीगढ़ में ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग अस्पताल पर एलियन बच्चे को देखने के लिए जुटने लगे। यही नहीं, जब मीडिया को इस मामले की जानकारी हुई तो मीडिया भी एलियन बच्चे के सच को जानने के लिए अस्पताल पहुंच गई। लेकिन इस मामले में जब अस्पताल के डॉक्टरों से बात की गई तो मामला चौंकाने वाला था। बच्चा कोई एलियन नहीं बल्कि एक गंभीर जेनेटिक बीमारी से पीड़ित था जो करोड़ों में किसी एक को होती है। डॉक्टरों की माने तो इस बच्चे के बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। ये बच्चा एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है, कंजेनाइटल बीमारी होती है, जिसमें जीन में डिफेक्ट आ जाता है। ABCA12 जीन होती है जो गड़बड़ हो जाती है। तो इस टाइप के बच्चों में जो स्किन होती है वो बिल्कुल मछली की तरह हो जाती है और उसमें इतना खिंचाव आ जाता है कि जैसे पलकें हैं तो वो बाहर की तरफ पलट जाएंगी, तो आंखें इनकी दिखाई नहीं देंगी। और कहीं से भी आप इसकी खाल को पकड़ोगे, कहीं से भी इसकी खाल को पकड़ोगे तो वो खाल टूट जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे शरीर फट गया है। और 3 करोड़ में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है। अब तक हिंदुस्तान में तो कोई नहीं बचा है। दिल्ली में एक हुआ था कई साल पहले, वो मर गया, 2-3 दिन में ही मर गया था। पूरी दुनिया में अब तक 3 बच्चे ऐसे बचे हैं। फिलहाल ये बच्चा अलीगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस बच्चे को परग्रही एलियन बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने रहस्य से पर्दा उठा दिया है। ये बच्चा कोई परग्रही एलियन नहीं बल्कि गंभीर जेनेटिक बीमारी का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर खबर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।